तो आज हम लोग देख रहे हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वह मेथड है, उस मेथड से बनता है जो सामान्यतः बायोलॉजिकल साइंस में जितने भी बायोपॉलीमर्स है उन्हें बहुत कॉमनली एग्जिस्ट करता है कि वाटर मॉलिक्यूल निकालो और एक बॉन्ड बना दो। न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक मैकेनिज्म है जिससे कि यह सब बॉन्ड बनता है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है क्या? टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा सुगर्स, मोनोसैकेराइड्स बाइंड टुगेदर थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्डिंग लिंकेज। ठीक है, बाय दिस लिंकेज, थ्रू दिस लिंकेज इस लिंकेज के मदद से सुगर कैन बी एडेड विथ अमाइनो एसिड्स नाइट्रोजिनस बेसिस सल्फेट्स, मतलब इस लिंकेज से सुगर के साथ आप अमाइनो एसिड को, नाइट्रोजनस बेस को, ठीक है, सल्फेट्स को, या हम और भी बोले फैटी एसिड्स को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, इट इज एनहाइड्रिक बॉन्ड, यह एक एनहाइड्रिक बॉन्ड है। एनहाइड्रिक बॉन्ड मतलब होता है पार्टिसिपेशन ऑफ वाटर, वाटर के भागीदारी से यह बॉन्ड बनता है। एंड इट फॉलोज द न्यूक्लियोफिलिक अटैक मैकेनिज्म टू, बस न्यूक्लियोफिलिक अटैक मैकेनिज्म, और यह न्यूक्लियोफिलिक अटैक मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, अब यहां बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बोला गया कि सामान्यतः तो दो मोनोसैकेराइड या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, यही है, लेकिन इसके अलाहदा अमाइनो एसिड्स, नाइट्रोजिनस बेसिस, सल्फेट्स, फैटी एसिड्स, ये सब भी जुड़ सकते हैं। यह एनहाइड्रिक बॉन्ड है, जुड़ने के वक्त में एक मॉलिक्यूल वाटर टूटकर बाहर निकलता है और तोड़ने के वक्त में वो वाटर लगाना पड़ता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह न्यूक्लियोफिलिक अटैक मैकेनिज्म के मदद से बनता है। ठीक है, यह जो बॉन्ड है यह बन सकता है, इट कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन, पहला OH OH ग्रुप्स, मतलब दो हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स के बीच में, दूसरा OH, अब सुगर में तो OH है ही, COOH ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से, तीसरा हाइड्रोक्साइल NH2 अमीनो, जिसको बोलते हैं अमीनो ग्रुप से जुड़ सकता है, फोर्थ OH, और ये जुड़ सकता है हम अगर बेसिक हमारे जो आवश्यकता के आधार पर, तो हम तीन पर ही निबट जाएंगे। देखो, जैसे पहला है OH ग्रुप,
इसमें कि मोनोसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड के बीच में जो नॉर्मल ग्लाइकोसिडिक का पैटर्न है, दूसरा है ओएच सीओएच के बीच में मोनोसैकेराइड और अमाइनो एसिड, ठीक है, या फिर फैटी एसिड के बीच में, ठीक है। तीसरा जो है वो है मोनोसैकेराइड एंड अमाइनो एसिड या फिर न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस एंड बेस। अगर फंडामेंटली हम देखें तो ये जो तीन तरीके हैं वह ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का बड़ा इंपॉर्टेंट आधार है, ठीक है, और इसके मदद से क्या हो सकता है कि सुगर का चेन बन सकता है, सुगर और अमाइनो एसिड्स का चेन बन सकता है, सुगर और फैटी एसिड्स, सुगर और न्यूक्लियोटाइड का, मतलब यह एक कोलैबोरेशन डिपेंड करता है। और इसीलिए यहां पर क्या बनता है, ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइको लिपिड्स कैसे बन पाता है, इसलिए बन पाता है क्योंकि इसके पास ये कैपेसिटी है। और यहां पर भी क्या है, यहां पर भी ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ये सुगर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो सकता है, अर्थात ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो बड़ा रेंज कवर करता है, और इसी करेक्टरिस्टिक के कारण यह मोनोसैकेराइड से ओलिगोसैकेराइड और फिर ओलिगोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड बन सकता है, या फिर ये ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स बन सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स या फिर सुगर न्यूक्लियोटाइड बन सकते हैं। यह ग्लाइकोसिडिक का एक बड़ा ही अच्छा एक क्या कह सकते हैं उसको हम लोग, ये फीचर है जिसके कारण यह संभव हो सकता है। तो ये एकदम समझने वाली बात है, और इन्हीं सब चीजों को आपको दिमाग में रखना है, और तो कोई ज्यादा कुछ किसमें करना है नहीं। अब मुद्दा आता है कि कैसे एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन सकता है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में एक चीज जो बहुत हमने कहा कि किसी भी हाल में एक OH तो होना चाहिए, एक OH होना चाहिए, ये एक कंपलसरी मैंडेटरी हिस्सा है। लेकिन अभी हमारा जो अटेंशन है वो है कि सुगर के बीच हम बनाते हैं, ठीक है ना। अभी हम जब कंजुगेट सुगर पढ़ेंगे ना तो वहां पर हम बाकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा एक हम सुगर के बीच बनाते हैं, दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में कैसे बनेगा ये। अगर हम एक मोनोसैकेराइड का किसी का भी सोचो कि एक अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें कुल मिला के 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं। ये होता है पहला कार्बन पर OH है, फिर दूसरा कार्बन पर है, तीसरा कार्बन पर अपोजिट ओरिएंटेशन में OH है, फिर फोर्थ वन पर है, और फिर लास्ट में CH2OH है। तो अगर आप देखें तो कुल कितने OH है इसके पास, तो हमारा एकदम क्लियर टेंशन जाता है। सर इसमें पहला यहां पर कार्बन नंबर 1 पर OH है, कार्बन नंबर 2 पर OH है, कार्बन नंबर 3 पर OH है, कार्बन नंबर 4 पर OH है, और कार्बन नंबर 6 पर OH है। ये 6 ऐसे जगह हैं जहां पर OH है। और अच्छी बात क्या है कि जितना OH उतना रिएक्टिव ग्रुप। OH सिर्फ एक मतलब फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, बल्कि ये बहुत रिएक्टिव ग्रुप भी है।
क्योंकि ओएच के पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर होता है। अब समझ जाइए कि ये चाहे तो यहां से जुड़ सकता है, C1 से, C2 से, C3 से, C4 से, C5 से, अगर C6 से। अगर आपसे कहे कि अभी इसमें कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो हम लोग कहेंगे सर ये तो अपने फाइव हैंड से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर सकता है। ठीक है, अब हमें बड़ा एक सिंपल सा तरीका से हम लेमैन लैंग्वेज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाना सीखते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने की जब तैयारी हम करते हैं तो एक और हमको सुगर लेना पड़ेगा। चलो हम ऐसा ही जैसा डायग्राम इधर बनाए हैं उसी प्रकार का एक डायग्राम यहाँ भी बना दे। ठीक है, और सब में OH रखते हैं, जैसा इसमें है वैसा ही इसमें भी कर दे। अब ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, डायग्राम बनाने में थोड़ा वक्त तो लगता है दोस्तों। ओके, ये अब जो है यहां पर भी इसके बहुत सारे रिएक्टिव ओएच है जो कि अवेलेबल है यहां पर दोनों में, तो अब ये किसी से भी कोलैबोरेट कर सकता है, किसी से भी कोलैबोरेट कर। हम बोलते हैं कि सामने से आने वाले से कोलैबोरेट करता है, इसका नंबरिंग भी कर देते हैं 1 2 3, ठीक है, 4 एंड 5 एंड 6। अब हम कहते हैं कि इसमें कौन है जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और किस पर करेगा। देखो ये कार्बन है, यहां क्या है, कार्बन है। अब यहां से प्रोटॉन निकलता है, देखना चलो अच्छे से सीखो इसको, यहां से प्रोटॉन एच प्लस आयन निकला। जब यहां से एच प्लस आयन निकला, इसको हम यहाँ बाहर रख लेते हैं एच प्लस को, ठीक है, ऊपर क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। अब इस माइनस चार्ज ने क्या किया, इस माइनस चार्ज ने न्यूक्लियोफाइल अटैक किया इस कार्बन के न्यूक्लियस पर, मतलब यहां पर। जैसे इस कार्बन के न्यूक्लियस पर इसने अटैक किया, ये जो ओएच है वो यहां से टूटकर अलग हो गया। ठीक है, अब जब ओएच यहां से टूटकर अलग हो रहा है तो ऑब्वियसली ओएच पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा यहां पर, क्योंकि ये माइनस इस प्लस पर अटैक किया है, ये कार्बन का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है किसी भी एटम के, देखो एक एटम में ये अंदर प्लस चार्ज है मतलब प्रोटॉन कारण है, और बाहर में माइनस चार्ज है चूंकि बाहर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स है। कोई अगर इस पर अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल की तरफ सीधे अटैक करे, तो ऑब्वियसली कोई माइनस चार्ज होगा वही इस प्लस चार्ज की तरफ अटैक करेगा। इस प्रकार से क्या हुआ, यह एक प्रकार से आपस में एक रिलेशनशिप इसका बना, और ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बन गए, वाटर। ये एक एंजाइम डिपेंडेंट रिएक्शन है, खुद ब खुद नहीं होता है, नहीं खुद ब खुद नहीं। तो हम लोग ग्लूकोज के डब्बा में क्या होता है, जैसे ही कंपनियां ग्लूकोज भरती, सब कोई स्टार्च बन जाता, कुछ सेलुलोज बन जाता, कुछ ही बन जाता, ऐसा तो नहीं होता है। अर्थात ये खुद ब खुद नहीं करते हैं रिएक्शन, इनको इस रिएक्शन को करने के लिए निश्चित रूप से एंजाइम की मदद की दरकार होती है। अब जैसे ही ये आपस में जुड़ा, अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, ओके, मैं इसको भी यहां से हटा रहा हूं। जैसे ही आपस में जुड़ा तो क्या हो गया, ये कुछ इस प्रकार से एक लिंकेज के रूप में यहां पर दिखेगा, ठीक है, इस प्रकार से। और अब हम लोग इस लिंकेज को क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब यह ग्लाइकोसिडिक किस किस कार्बन के बीच में, ठीक है, तो कार्बन 1 एंड कार्बन 4। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसको पहले लिखते हैं, और जिसका जिससे कार्बन पर वो अटैक करता है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, यहां पहला है फर्स्ट कार्बन का, जो ये जो फर्स्ट कार्बन है ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किस पर, ये इसका जो ओएच है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किस पर, इसके चौथे कार्बन पर। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो हमने लिखा,
अब ये दोनों ही सुगर क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, हमारा लिखने का स्ट्रेटजी क्या हो जाएगा, अल्फा डी, भाई दोनों अल्फा डी है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसका क्या स्टेटस है उससे डिसाइड होता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो कर रहा है वो भी अल्फा डी है, जिस पर हो रहा है वो भी अल्फा डी, इसलिए यहां कोई झंझट है नहीं। अल्फा डी वन जो है तीर का निशान दिए फोर पर अटैक कर रहा है, तो वन तीर का निशान फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अर्थात कि इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी वन से तीर बनाकर, ठीक है इसके लिखने में कुछ लिमिटेशंस हो जाता है हमको, लेकिन ये यही हो गया इसका जो हम नेमिंग करेंगे, तो उसका नेमिंग कुछ इस प्रकार से कर देंगे, ये यहां लिख देते हैं अल्फा डी वन फोर वन तीर का निशान फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यह इस प्रकार से जेनरेट किया जाता है। अब इसके लिखने का एक जो पैटर्न उसमें क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो अल्फा सुगर है, डी फॉर्म में है दोनों, पहला कार्बन जो है इस सुगर का वो चौथे कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल कर रहा है और उसके कारण एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रहा है। इस प्रकार से यह एक तरीका है जिस तरीके से किसी भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हम लोग बनाते हैं और उसको समझाते हैं। मैं कुछ एक दो और प्रैक्टिसेस आपके साथ अभी यहाँ करूंगा ताकि आपके और भी कॉन्सेप्ट जो हैं वो एकदम स्पष्ट साफ सुथरे और एकदम क्लियर रहें, ताकि आपको कभी झंझट नहीं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमें कोई बोले कि आपको जोड़ना है एक सुगर से दो सुगर को, ठीक है ना, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज है, ओके, और इस अल्फा डी ग्लूकोज से इसके पहले पोजीशन पर और छठे पोजीशन पर आपको दो अल्फा डी ग्लूकोज जोड़ना है, ऐसे समझे, मतलब कि एक सुगर है और उससे दो सुगर जोड़े जाएंगे, मतलब यहां पर एक से ज्यादा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो हम माइंड सेट कर लेते हैं, सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम बढ़िया से एक बीच में एक डायग्राम बनाए, ठीक है, और हम यहां पर अभी जो मुझे काम है मैं उससे उसी का बना रहा हूं, ठीक है ना, बाकी आप भर लीजिएगा। तो पहला जो है कह रहा है क्या कि ये तो वन पोजीशन है, यह जो है एक दूसरे सुगर के पहले पोजीशन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा, ठीक है, देखिए दूसरा सुगर भी है, इसका पहला पोजीशन है, ये हो गया, दोनों अल्फा है तो अल्फा है, इस प्रकार से बन गया। और क्या कहता है कि ये जो सुगर है इसके छठवें पोजीशन से भी एक सुगर बाइंड करेगा, छठवां पोजीशन ये हो गया, तो हम एक और अल्फा डी सुगर जो है यहां पर बना देते हैं, ठीक है, और इसके चौथे पोजीशन से एक OH जो है वो है, थोड़ा डायग्राम को बड़ा बनाता हूं, ठीक है, डायग्राम हरदम बड़ा बनाना चाहिए, हो गया। अब इसके पहले पोजीशन से जोड़ोगे तो ये OH है, अब चौथे पोजीशन से जोड़ोगे तो ये OH है, जिस पोजीशन को जोड़ना है उसको सामने लेकर आ जाना है, यहां CH2OH। अब करना था वो कुछ है नहीं, सब कुछ दिया हुआ है कि इनके बीच में
एक रिएक्शन हो जाएगा और एक इनके बीच में एक रिएक्शन हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, अगर वन न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये OH न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक इस कार्बन पर, और रिजल्ट क्या होगा, एक यहां पर और एक यहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। इस फीचर से क्या हमको समझ में आता है कि एक सुगर एक से ज्यादा सुगर से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना सकता है ना। आप तमाम लोग जो लोग अब इस क्लास को कर रहे हैं, आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं, एंड आपकी ड्यूटी है कि आप उस होमवर्क को करें। मेक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन, किसके बीच में, पहला अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, पहला। दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज, ठीक है। तीसरा अल्फा डी फ्रुक्टोज एंड बीटा डी राइबोज, बस ये तीन एग्जाम्पल जो है वो आपको दिया जा रहा है, आप इसको होमवर्क ले लें और इस एग्जाम्पल को निश्चित रूप से आप बनाइए, आप देखिए कि इसको आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ग्रुप, उसको हमने पहले लिया है, जिस पर होगा उसको हमने बाद में लिया है। आप फ्री हैं, किसी भी नंबर को किसी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब आप अल्फा डी का वन से बीटा डी का टू जोड़ दीजिए, थ्री जोड़ दीजिए, किसी से भी कोई भी जोड़ दो, हमको इशू नहीं, बस बॉन्ड बनाना आना चाहिए। अब जो है हम लोग मूव कर रहे हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है, चूंकि आप जोड़ रहे हैं तो इसके फर्दर फीचर्स को देखना होगा, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स को देखना होगा हमें। तो ओलिगोसैकेराइड्स के लिए क्या कहते हैं कि 2 से 10, टू टू 10 मोनोसैकेराइड्स बाइंड टुगेदर टू मेक ओलिगोसैकेराइड। दो या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़कर एक ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। ओलिगो वर्ड का मतलब क्या होता है, ओलिगो का मतलब होता है छोटा चेन, इसका मतलब होता है स्मॉल चेन ऑफ फ्यू मोनोमर्स, एक ऐसा चेन जिसमें कुछ मोनोमर्स हो, उसे हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, ओलिगो कहते हैं। अब यहां पर सुगर है तो ओलिगोसैकेराइड, और अमाइनो एसिड होगा तो कहलाता तो ओलिगोपेप्टाइड, नाइट्रोजनस बेसिस होता है तो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, कुछ भी कम संख्या में अगर आपस में जुड़कर एक कुछ बनाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगो, छोटा। अब कोई भी ओलिगोसैकेराइड में यदि 2 से 10 तक है, तब तो डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, हेप्टा, ऑक्टा, नैनोसैकेराइड एंड डेकासैकेराइड, कितने होते हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में, इन बायोलॉजिकल सिस्टम सिस्टम डाइसैकेराइड मतलब साफ है कि सबसे ज्यादा जो वेरिएंट्स होगा वह डाइसैकेराइड्स का ही होगा,
अब इस डायसेक्राइड्स को दो ग्रुप में बांटा जाता है, ठीक है। अब जो डायसेक्राइड हैं उन्हें हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं, ठीक है। पहला ग्रुप जो होता है इनका वो होता है रिड्यूसिंग सुगर, रिड्यूसिंग डायसेक्राइड, और दूसरा ग्रुप जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग डायसेक्राइड। जो रिड्यूसिंग डायसेक्राइड होते हैं उनमें जो रिड्यूसिंग डायसेक्राइड होते हैं उनमें म्यूटा रोटेशन प्रॉपर्टी होता है। कौन सा प्रॉपर्टी होता है? म्यूटा रोटेशन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। और जो नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स होते हैं उनमें लैक ऑफ म्यूटा रोटेशन प्रॉपर्टी, इनमें यह प्रॉपर्टी नहीं होता। इसका मतलब स्पष्ट है डायसेक्राइड को हम लोग दो अलग अलग टाइप में बांट सकते हैं, एक रिड्यूसिंग और दूसरा नॉन रिड्यूसिंग। अब रिड्यूसिंग के अंदर में हम लोग उसको भी दो कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं, रिड्यूसिंग को भी हम लोग दो कैटेगरी में आराम से बांटते हैं। अब जो बांटने का आधार है वह है इसका लिंकेज आधार, था C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एक पहला आधार हो गया। इसके अंदर में जो एग्जाम्पल आते हैं वो आता है लैक्टोस, माल्टोस, सेलो बायोस, ये सभी इसके अंदर में आते हैं। दूसरा जो लिंकेज ग्रुप है उसका नाम है C1C6, मतलब एक का कार्बन वन और एक का कार्बन सिक्स, इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। और इसके अंदर में आते हैं मेली बायोस, है ना, जेंटायो बायोस, आइसो माल्टोस, ये सभी इसके अंदर बात है। ठीक इसी प्रकार से नॉन रिड्यूसिंग सुगर के अंदर में यदि हम लोग देखें तो यहाँ जहां जो सबसे कॉमन है वह है C1C1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसके अंदर आते हैं सुक्रोज, रिहालोज, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसको हम दो भाग में बांट देते हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है कि इसको भी दो भाग में हम बांट दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसको भी दो भाग में बांटता हूँ, ठीक है। इसको दो भाग बांट देते हैं, एक को हम लोग कहते हैं C1C1 और एक को कहते हैं C1C2। ये हो गया C1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसके अंदर में आ गया हेलोस, और यहाँ हो गया C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इसके अंदर में हो गया सुक्रोज आ गया। इस प्रकार से आप देखें कि डायसेक्राइड को भी हम लोगों ने अलग अलग खेमे में बांट दिया, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि जो वन C1C6 है, ये जो ग्रुप है ये दे यूजुअली फाउंड इन ब्रांचिंग्स, ब्रांचिंग्स ये सामान्यतः जहां ब्रांच बन रहा है वहां पर ये लिंकेज C1C6 जो होता है वो बहुत कॉमन होता है। तो ये एक कैटेगरी हो गया, इस कैटेगरी को आप सब लोग फॉलो कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अभ्यास करने की भी आवश्यकता है ना? अब आपको सपोज करिए कि हम लिखें अल्फा अल्फा D1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो क्लियर कट समझ में आ जाता है कि 1,4 है, इसका मतलब यह रिड्यूसिंग शुगर है। सिर्फ लिंकेज को देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह जो है वो, लेकिन एग्जाम्पल कौन है
वहां लैक्टोज माल्टोज सेलो बायोलॉजिस्ट एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो अगर इस लिंकेज के अंदर में लैक्टोज भी है माल्टोज भी है और सेलो बायोज भी है तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, है ना? तो आप देखिएगा इन तीनों में जो फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट है उसमें डिफरेंस होता है। चलिए मैं बताता हूं कि जो फर्स्ट यूनिट होता है लैक्टोज में वो होता है अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, और जो सेकेंड यूनिट होता है वो होता है बीटा डी गैलेक्टोज। अब आप समझे कि कैसे इसका अरेंजमेंट होता है। जो फर्स्ट यूनिट होता है जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो माल्टोज में होता है अल्फा डी ग्लूकोज, जबकि ग्लूकोज का ही दूसरा यूनिट इसमें जो होता है वो होता है बीटा डी ग्लूकोज। उसी तरह से सेलो बायोज में अगर हम देखें फर्स्ट यूनिट जो होता है वो बीटा होता है बीटा डी ग्लूकोज, और जो सेकेंड यूनिट होता है जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है वो अल्फा होता है अल्फा डी ग्लूकोज। अब आप देखिए कि तीनों किस प्रकार से अपने ओरिएंटेशन में होता है। ये जो ये फर्स्ट यूनिट है और ये सेकेंड यूनिट है। अब सब में क्या है, 1,4 है, अर्थात कार्बन 1 पर जो OH है वह इसका और कार्बन 4 पर जो OH है वह इसका, यह दोनों आपस में पार्टिसिपेट करेगा। यदि हम लिखते हैं कि C1 C4 में सपोज करो कि यहां उल्टा लिख देते हैं कि हाँ भाई जल्दी बताओ लैक्टोज किससे से बना है, तो हम लोग बोलते हैं कि लैक्टोज जो है वह ग्लूकोज गैलेक्टोज से बना है, या हम बोल सकते हैं गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना हुआ। इस लैंग्वेज में कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं कोई। यदि आपको बोले कि जो उसका बॉन्डिंग पर्सपेक्टिव है उस पर्सपेक्टिव से बताइए, तो आपको बोलना पड़ेगा कि C1 C4 लिंकेज में C1 लिंक का जो पार्टिसिपेशन है वो होता है अल्फा डी ग्लूकोज का और C4 का जो पार्टिसिपेशन वो होता है बीटा डी ग्लूकोज गैलेक्टोज का। जैसे ही आप ये बोलते हैं इसका मतलब है कि आपकी समझ सिर्फ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के लिए ही मात्र नहीं है, बल्कि आपकी समझ वह बॉन्ड कैसे बना है इस विषय पर भी है। ये सब आपके होमवर्क में है, ठीक है ना? ये सभी चीजें क्या है, आपके होमवर्क का हिस्सा है कि आप खूब अभ्यास बनाइए। मेरे अभ्यास मैंने बेसिक्स बता दिया, दिस इज योर ड्यूटी टू ड्रॉ ऑल द डायग्राम्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सो। अब देखो C1 वाले में क्या है, सुक्रोज है C1 C1 में। अब सुक्रोज में देखोगे तो फर्स्ट पार्टिसिपेंट क्या होता है, फर्स्ट पार्टिसिपेंट होता है अल्फा डी ग्लूकोज, लेकिन इसका जो सेकेंड पार्टिसिपेंट होता है वो फ्रुक्टोज होता है, बीटा डी ग्लूकोज। तो आप ऐसे समझ के चले इसके यूनिट्स को कितना दिमाग में सहेज कर हमें रखना है, क्योंकि तो इसमें थोड़ा सा मिस किए तो फिर मामला गड़बड़ा सकता है। रेहालोज, रेहालोज का क्या है, फर्स्ट यूनिट क्या है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा यूनिट भी क्या है अल्फा डी ग्लूकोज। इस प्रकार से ट्रेहलोज में दोनों ही यूनिट का पूरा, ठीक है, यहाँ अल्फा है अल्फाद हो गया है, ठीक है ना? इस प्रकार से ये ओरिएंटेशन में, और इसीलिए मैं कई बार देखता हूं कि सिर्फ किसी एग्जाम में अगर दे दे इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इवन के स्टूडेंट जान रहा है कि सुक्रोज जो है वह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनता है, लेकिन ये ओरिएंटेशन अगर उसको याद नहीं है तो ब्लंडर मिस्टेक्स उसमें देखे जाते हैं, और मेरा अनुभव रहता है कि उसमें मिस्टेक्स बहुत ज्यादा ऑब्जर्व होता है क्योंकि हम इन सब छोटी छोटी चीजों पर कम ध्यान देते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इन सब चीजों पर पूरी तरीके से ध्यान दीजिए,